भारत बनाम वेस्ट इंडीज पांचवा T20 मैच द डिसाइडर हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल क्रीज पर, जायसवाल ज्यादा कुछ नहीं कर पाए इस मैच में, सिर्फ 5 रन बनाकर अकील हुसैन का शिकार बन गए। शुभमन गिल भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और शुभमन गिल को भी चलता किया अकील हुसैन ने। दूसरा विकेट अकील हुसैन के लिए 9 रन बनाकर शुभमन गिल भी आउट हुए। अकील हुसैन ने भारत के दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को। उसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला और एक अच्छी साझेदारी बनाई। सूर्य कुमार यादव ने फिर एक अच्छी पारी खेली, कल तिलक वर्मा ने भी उनका बखूबी साथ दिया। भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को दोनों ने संभालने की कोशिश की और वापस ट्रैक पर लाई भारत की पारी को, पर इस सॉफ्ट डिसमिसल के चलते तिलक वर्मा आउट हुए 27 रन बनाकर तिलक वर्मा आउट हुए, पर सूर्य कुमार यादव एक छोर को संभाले हुए। सूर्य कुमार यादव ने एक लाजवाब पारी खेली और उधर संजू सैमसन भी आउट हो गए, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, कोर्ट बिहाइंड आउट हुए संजू सैमसन 13 रन बनाकर। भारत की एक के बाद एक विकेट गिर रही थी दूसरे छोर पर एक छोर को सूर्य कुमार यादव संभाले हुए थे और बढ़िया 50 लगाई सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव की इस पारी के बदौलत भारत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गया। हार्दिक पांड्या ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और वो भी कैच आउट हो गए, 14 रन बनाकर हार्दिक पांड्या भी आउट हुए। सूर्य कुमार यादव एक अच्छी पारी खेल रहे थे, 61 रन बनाकर आउट हुए सूर्य कुमार यादव, जेसन होल्डर का शिकार बने। भारत ने अपने निर्धारित 20 ओवर में एक सम्मानजनक स्कोर हासिल कर लिया था। भारत ने 165 रन बना दिए अपने 20 ओवर में और 166 रन का लक्ष्य रखा वेस्टइंडीज के लिए, जो कि एक लड़ने के लिए बढ़िया लक्ष्य था वेस्टइंडीज के लिए। ब्रैंडन किंग और काइल मेस क्रीज पर, काइल मेस ने फिर से तूफानी शुरुआत की हार्दिक पांड्या के ओवर में, पर एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने उन्हें चलता किया, काइल मेस को चलता किया। अर्शदीप सिंह ने 10 रन बनाकर काइल मेस आउट हुए। ब्रैंडन किंग और निकोलस पूरन के बीच हुई एक लाजवाब साझेदारी और ये मैच विनिंग साझेदारी साबित हुई। निकोलस पूरन ने आते ही आक्रामक शॉट लगाए और एक छोर को किंग संभाले हुए थे और दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई और ये बहुत बढ़िया साझेदारी वेस्ट इंडीज के लिए। डिसाइडर मैच में दोनों ने लाजवाब पारी खेली, ब्रैंडन किंग ने 85 रन की पारी खेली जो कि एक मैच विनिंग पारी थी अपने आप में, और निकोलस पूरन ने भी उनका बखूबी साथ दिया और ये मैच वेस्ट इंडीज की तरफ मोड़ दिया निकोलस पूरन और ब्रैंडन किंग की इस जोड़ी ने। ये देखिए कमाल की 50 लगाई ब्रैंडन किंग ने, निकोलस पूरन अपनी 50 नहीं पूरी कर पाए। पूरन को आउट किया तिलक वर्मा ने कैच आउट करवा दिया निकोलस पूरन को, पर ब्रैंडन किंग अंत में नॉट आउट रहे और वेस्ट इंडीज़ को ये मैच जितवा दिया और सीरीज़ भी 3-2 से ये सीरीज़ वेस्ट इंडीज ने जीत ली है। ये थी इस मैच की हाइलाइट्स, ब्रैंडन किंग की पारी बहुत ही लाजवाब रही और ये मैच जीत लिया, शे होप ने उनकी मदद की और ये मैच वेस्ट इंडीज़ की झोली में डाल दिया। ये थी इस मैच की हाइलाइट्स और ये था विनिंग शॉट और ट्रॉफी हुई वेस्ट इंडीज़ के नाम, T20I की ट्रॉफी वेस्ट इंडीज़ के नाम